नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खराब सड़क देख भड़के सांसद, अधिकारियों को दी चेतावनी। योगी राज में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बदहाल सड़कें, सांसद ने कहा दिसंबर तक बनेगी सड़कें। खबर जनपद बलिया से। आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है इसे देख समझ पाना बड़ा ही दुश्वार है। गड्ढे में सड़क है या सड़क गड्ढे के अंदर, आप सोच रहे होंगे यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की तो हो ही नहीं सकती, अगर होगी भी तो बहुत ही पुरानी। योगी राज में ऐसा दृश्य देखना या दिखा पाना महापाप है। हमें भी बड़ी हैरानी हुई, हमने इसकी तस्दीद की, रहा नहीं गया। सोचा इस सड़क के बदहाली में स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी होंगे। अपने क्षेत्र की समस्या सरकार या संबंधित विभाग के आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई होगी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पदभार ग्रहण करते ही यह शपथ ले ली थी कि प्रदेश की सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं रहने देंगे। ऐसे में जनता मानकर चल रही है विधायक ही दोषी होंगे, जो अपने क्षेत्र की जन समस्या को लेकर शायद उतने सजग नहीं होंगे। हमने पता किया तो पता चला यह जो सड़क है बेलथा और विधानसभा में आती है, यहाँ से विधायक है योगी सरकार के एक घटक सुभाषपा के हंसुराम। सोचा विधायक जी से जानते हैं, क्योंकि वह बहुत ही व्यस्तम विधायकों में से एक है। लोग बताते हैं मिलना असंभव है। हमने सोचा फोन पर ही विधायक जी से इस खराब सड़क पर वार्ता कर जानकारी जुटा लेते हैं। उनके दोनों नंबरों पर रिंग तो फुल बजा लेकिन फोन नहीं उठा। सोचा थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, बार बार फोन कर उन्हें परेशान तो नहीं कर सकता, हो सकता है बात हो जाए। लेकिन कई दिन बीत गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। खैर, हम जैसे पोर्टल वाले छोटे पत्रकारों को रिप्लाई देना विधायक जी के लिए कोई जरूरी तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की समस्या बहुत बड़ी है। हमसे रहा नहीं गया, सांसद से बात करने का मन बना लिया। डरते डरते बात की, इसी बीच उनसे मुलाकात भी हो गई। मुलाकात में उनके आश्वासन ने तो गदगद ही कर दिया। आप भी जाने सांसद ने अपने सलेमपुर की खौस्ता व खराब सड़कों के लिए सांसद बनने के 3 महीने के अंदर क्या पहल किया है, और हमें कमेंट का जरूर जवाब दें। इनकी यह पहल कितनी सफल रहेगी? देख रहे हैं भारत मीडिया, इसमें बलिया जनपद में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है सलेमपुर सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी मौजूद हैं। चूंकि जब चुनावी माहौल था, चुनावी वादे इनके द्वारा जो किए गए थे, सड़कों को लेकर के भी वादे किए गए थे, जनता भी पूछ रही है, जैसे कि जो है तिरनई से लेकर तेलमा जो मार्ग है वो बहुत ही जर्जर है और जनता आए दिन जो है हमें जो बुला रही है कि आखिर जो सांसद जी को जो है 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक जो उसकी सुध क्यों नहीं ली। आइए उनसे ही समझते हैं कि रोड पर जो है कार्य कब तक शुरू होगा, जबकि वो आदेश हो चुका है, रोड पास हो चुका है जी। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो तिरनई से जो है तेलमा का मार्ग बहुत ही जर्जर है, घुटनों तक जो है गड्ढा हो गया उसमें। देखिए, तिरनई से तेलमा की सड़क इतनी खराब हो गई है, और जब मैं सांसद हुआ तो 3 सड़कें, एक तो डिहवा मार्ग और एक बनकट मार्ग और एक तेलमा तिरनई मार्ग, ये तीनों मार्ग पर बच्चों के बस नहीं चल पा रहे थे, बच्चियां साइकिल लेकर गिर जा रही थी और आम जनता को भी चलना दुभर हो गया था, मोटरसाइकिल से लोग घायल हो रहे थे। इन तीनों सड़कों पर मैंने कहा, अधिकारियों से बात की और बात करने के बाद ये पता चला कि ये सड़कें बरसात बाद बनेंगी, लेकिन स्थिति ये थी, मैंने कहा कि आखिर गड्ढा तो आप भर सकते हो इस समय, तो गड्ढा हमारा किडेरापुर से बनकटा मार्ग का गड्ढा करीब 7 किलोमीटर भरवाया, डिहवा वाली सड़क का भी रास्ता करीब 5 किलोमीटर भरवाया और फिर तेलमा वाली सड़क पर भी हमको अधिकारियों ने भेजा, मैंने अधिकारियों की टीम दिशा की मीटिंग थी, तो दिशा के मीटिंग में हम बलिया में जब सारे अधिकारी हमारे पास आए थे तो मैंने सभी अधिकारियों के सामने ही उस सड़क को रखा, तो तीसरे दिन अधिकारी वहां मौके पर गए थे और मुझको आश्वासन दिया कि साहब हम गड्ढा भर दे रहे हैं और बरसात बाद उस सड़क को बनाए हैं, लेकिन आपने अभी हमको जानकारी दी है कि अभी शायद उसके गड्ढे नहीं भरे हैं। अभी मैं तुरंत उनको फोन भी लगा रहा था, उनसे बात करना चाहता हूं और बात करके और मैं देखता हूं कि कैसे नए गड्ढा भरते हैं और वो गड्ढा तुरंत भरा जाएगा और काम भी बरसात बाद शुरू हो जाएगा। इस तरह से जनता की उम्मीदें सर जो है आपसे है कि जो उनके कार्य पूरे नहीं होते थे, जिस तरह से जो रोड सड़क जो है पानी नाली ये सब की समस्याएं थी, वो आप जो जरूर पूरा करेंगे, ऐसे में किस तरह का आश्वासन देंगे जनता को? देखिए, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरी मालिक मेरी जनता है, हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता है। मैं जनता की समस्याओं को लेकर एक वकील की तरह आपको जानकर ताज्जुब होगा, केवल 12 दिन पार्लियामेंट चली और 12 दिन में 8 बार मैंने पार्लियामेंट में बोला जिसको देश ने देखा। उसी तरह से चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे अभी सलेमपुर में आपको बता दूं जो हमारा वो बट्ठा मार्ग है उसका ठीका एक ठेकेदार ने लिया था,
और 3 सड़कें हमारे सलेमपुर विधानसभा की ठेकेदारों ने ठेका लिया और उसके बाद उनका समय भी समाप्त हुआ, काम भी शुरू नहीं हुआ। मैंने एक ठेकेदार का ठेका कैंसिल कराया, परिणाम तो हमारी सारे सड़कें लाइन अप हो गई और उसका ठेका भी भट्टा वाली सड़क का भी ठेका बस्ती की कंपनी को मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि ठेका लेकर के कुंडली मार के लोग बैठे हैं, चाहे वो आरईएस डिपार्टमेंट हो चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, ये लोग अगर काम नहीं शुरू करेंगे तो इनको बरसात बाद दिसंबर तक अगर सड़कें नहीं पूरी होती हैं तो इन लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। और एक जागरूक सांसद की तरह से और जनता के सच्चे सेवक की तरह से मैं जनता की सवालों को लेकर अगर जरूरत पड़ी, आपने दिशा की मीटिंग में देखा होगा कि जनपद के संपूर्ण अधिकारियों को लेकर मैंने जिस तरह से अधिकारियों को खड़ा किया, एक एक सवाल पर खड़ा किया, जनता के सवालों पर, मेरा कोई सवाल नहीं था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ जनता के सवाल पर, उसी तरह से अभी दिशा की मीटिंग देवरिया की नहीं हो पाई है, जल्दी वो भी करूंगा और अधिकारियों को उधर भी देखूंगा। तो हम जनता का सेवक बनके, जनता का वकील बनके, जनता की समस्याओं को उपयुक्त पटल पर उसको मजबूती से उठाता हूं। आप लोग देखते रहिए 6 महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि सांसद जी को तो पूरा जो है देश ने देखा है, संसद में 8 बार जो जिस तरह से बता रहे हैं, संसद में उन्होंने अपनी बातें जो रखी है और लोगों ने कहा है कि ये सपा वाले राजभर जो है कौन है, और लोग जो सर कर करके जो है देखते रहे। हम लोगों ने भी खबरें चलाई थी, तो अब सांसद जी से जनता को जिस तरह से उम्मीद है, उनका भी कहना है कि मैं जनता का सेवक बन के जो है काम करूंगा और दिखा दूंगा कि दिसंबर तक जो भी सड़कें जो है जर्जर है हमारे क्षेत्र में वो पूरी तरह से जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। भारत मीडिया के लिए उपी सिंह के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।